बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम ये दामन का न्यू डिजाइन बनाएंगे। ये हमारी शर्ट का कपड़ा है जिसमें ये दो कलर हैं। उसे दो कलर की पट्टी लेके हमने, जिसके लिए हमने 1 इंच चौड़ी और हमें 4 इंच लंबी पट्टी चाहिए। इसको हम ऊपर नीचे इस तरह से डबल रखते हुए 1/2 इंच पे सिलाई लगा देंगे। साइड से फालतू कपड़ा काट देंगे। इस तरह से अब हम इसको पलट के सीधा कर लेंगे। पलट के सीधा करने के बाद हमारी पट्टी इस तरह से बनेगी, जिसको हम 4 इंच की लेंथ में काट देंगे। ये हमारा 4 इंच पूरा आ रहा है। इसको हम काट के दो पट्टियां बना लेंगे। दो पट्टियां बनाने के बाद बिलू वाली साइड हम अंदर की जानब रखेंगे। इनको बराबर करते हुए ये हमारी पट्टी का दरमियान है। इस किनारे तक 1 इंच की सिलाई लगा के इस तरह से बंद कर लेंगे। आपस में इनको सिलाई लगाने के बाद जोड़ के दोनों साइड से दोनों पट्टियों को हमने आपस में इस तरह से सिलाई लगा के जोड़ लिया है। अब हम इनको पलटेंगे। इस साइड से ब्लू शेड ऊपर आ रहा है और ये वाली साइड से ग्रीन। ये हमारी डबल शेड क्रॉस पट्टी बन गई है। डिजाइनिंग में हम इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसका ऊपर से फोल्ड करते हुए डिजाइनिंग बनाएंगे। इस तरह से पकड़ के इस पट्टी के नीचे करते हुए पट्टी को फोल्ड कर देंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से फोल्ड करके ये हमारी दरमियान में पट्टी बन जाएगी। ऊपर नीचे हमारा ग्रीन कलर आ रहा है। इधर हम इसको सिलाई लगा के बंद कर देंगे। ये हमने सिलाई लगा के अपनी डिजाइनिंग तैयार कर ली है। सारी कपड़ों हम इसी तरह से बना लेंगे। दूसरी साइड से हमारी डिजाइनिंग इस तरह से आएगी। ये वाली भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। अब हमने टिशू लिया है, टिशू के ऊपर इनको रखते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से रखते हुए जिधर हमने सिलाई लगाई है सिलाई लगाते जाएंगे। ये सारी हमारी डिजाइनिंग है, पट्टियां हैं। इन सारी पट्टियों को टिश्यू के ऊपर सिलाई लगा के जोड़ देंगे। एक साइड पे इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड पे क्रॉस बनाएंगे। ये हमारी डिजाइनिंग बन के तैयार है। अब हम इसको अपने दामन के साथ सिलाई लगाएंगे। ये हमारी शर्ट का कपड़ा था। शर्ट हमने पहले तैयार कर ली है। अब हम सिर्फ आपको डिजाइनिंग बनाने का तरीका बता रहे हैं। सिलाई के ऊपर ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने दामन के साथ टिश्यू को फिक्स कर दिया है। ऊपर ये हमारा
ट्राउजर का कपड़ा था जिसपे हमने 1 इंच पे फ्लेयर्स डाल दिए हैं। इसको हम इस वाली साइड पे इस तरह से रखते हुए दूसरी साइड से सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी डिजाइनिंग दामन की बनके तैयार है। अब हम इससे पाइपिंग कर लेंगे जो कि हमारी मेहंदी शेड की है, जिसके लिए हमें सिंगल वेयर चाहिए होगा। हमारे प्यार करो अंदर की जानब है तो कपड़ा हम अंदर वाली साइड पे रखते हुए इस तरह से सुई अंदर की जानब रखते हुए इस किनारे से भी सुई हमारी नीचे अंदर की जानब रहेगी और पाइपिंग को खींच के मोड़ देंगे। ये हमारा दामन तैयार हो गया है। इस्त्री की मदद से पलट लेंगे। इस तरह से भी किनारे बहुत प्यारे बनते हैं पाइपिंग के। इस्त्री की मदद से प्रेस करके इसके ऊपर पाई कर लेंगे। ये हमारा दामन तैयार है।